Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So friends, Monday, that is 4th of July, हमने अपने एक full length mock test रखा था and काफी लोगों ने उसमें participate किया, attempt किया paper को and many of you also shared your marks also. So test paper के बारे में जो हमें आप लोगों से feedback मिला और हमारा intention भी जो था कि paper was moderate, अप्लाइड और थेरेटिकल प्लस फैक्ट्स का एक अच्छा हेल्दी मिक्सचर था एंड और भी हमें फीडबैक दीजिए इफ यू फील लाइक देर आर सर्टेन एरियाज जो छूट गए या फिर पेपर का स्टाइल जो था यू फाइंड कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं प्लीज डू कमेंट ऑन दैट ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, अब पेपर का डिस्कशन की ये वीडियो है एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर तो हम डिस्कस करेंगे बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टॉक की आप एक मॉक टेस्ट देते हैं सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट. ठीक है, सो ब्रॉडली अगर सपोज आप मॉक टेस्ट कोई दे रहे हैं तो उसके ब्रॉडली तीन पर्पस होते हैं. फर्स्ट इज टू टेस्ट योरसेल्फ, टू एनालाइज कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या चीजें सही कर रहे हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं, आपको कौन सा एरिया अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कहाँ पे रिविजन की जरूरत है. ओके, आप मिस्टेक्स किस तरह की कर रहे हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेकेंडली आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन कैसा है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं. ठीक है, एंड थर्डली आप एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गैदर कर सकते हैं, एडिशनल डेटा क्या, वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं थ्रू दीज टेस्ट्स जो सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, सो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए किसी भी टेस्ट में होता है, अगर मैं खुद टेस्ट देता हूँ या आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए, दैट शुड बी द फर्स्ट पार्ट कि आप एनालाइज करें कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कैसे लगते हैं. सी, आपके डजंट मैटर आपके इसमें 60 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, 100 मार्क्स है. पहले तो वी डोंट नो व्हाट द कट ऑफ ऑफ एनी पेपर वुड बी. ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक सिंपल सेट बहुत छोटा सा है. सेकेंडली, आपको जो अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस देना है ना, दैट इज ऑन द 31st of July. उससे पहले आपका जो ग्राफ है दैट शुड गो यू नो अप स्लोप. आपको माउंटेन के पिनकल पे 31st of July को ही पहुंचना है, उससे पहले पहुंच के इफ यू गो डाउन इट्स ऑफ नो यूज. सो कीप योर स्पिरिट हाई, डजंट मैटर आपका पेपर कैसा गया हो. अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड आपने सिलेबस अच्छे से एक बार कवर कर लिया है, उसके बाद में यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि कहां आपकी गलतियां हो रही हैं, कौन से एरियाज में आपको रिविजन की जरूरत है. ठीक है, सो दैट इज द पर्पज ऑफ डूइंग दिस मॉक टेस्ट. नेक्स्ट इज अबाउट वैल्यू एडिशन. जो हम अपने सॉल्यूशन की जो डिस्कशन वीडियोस हैं उसमें हम एडिशन कर देंगे. ठीक है, विल गिव यू द पीडीएफ और वहां पे ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं अबाउट द क्वेश्चंस, अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो द वे वी हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन, हमने कोशिश किया है कि हर एक सेक्शन को कवर किया जाए. दैट इज वाई यू विल सी की पॉलिटी के 11-12 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के 10-12 क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक के अबाउट 10-12 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस हैं. ओके, और एक हेल्दी मिक्सचर हमने क्रिएट करने की कोशिश किया. बट इन द अपकमिंग मॉक टेस्ट यू नेवर नो, ये मिक्सचर डिवाइड भी हो सकता है क्योंकि हमने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, खासकर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वहां पे यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन सी एरिया से क्वेश्चंस आएंगे. फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम अराउंड इतना हमें एक फैक्ट बेस्ड और जीके बेस्ड पेपर लगा. बट अगेन इन दिस पेपर आल्सो, जिनके बेसिक्स अच्छे होंगे, जिन्होंने बेसिक्स अच्छे से पढ़े होंगे, दे वुड हैव स्कोर्ड क्वाइट वेल. ठीक है, सो आर मंत्रा इज टू गेट अ होल्ड ओवर बेसिक्स बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इट. बाकी आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ते रहिए. आई होप इट हेल्प्स यू, बट बेसिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू. एक और चीज कि हमने क्वेश्चंस काफी आंसर्स इस तरह से फ्रेम किए हैं कि आप लोगों को पता चल सके क्या, जो हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं, स्मार्ट गेसिंग की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने वैसे डालेंगे जहां पे वो टेक्निक आप इंप्लीमेंट कर पाए, जो हम डिस्कस करते हुए विल सी कि कैसे क्वेश्चन है और कैसे आप आंसर्स में से ढूंढ सकते हैं. बिकॉज हमेशा आपको नॉलेज के थ्रू आंसर नहीं आएगा, there will be times when आपको options देख के भी पता चल जाएगा कि अच्छा यही answer है. ठीक है, वो हम आगे discuss करेंगे. With that in mind, let's start the discussion. First question की बात करें. ठीक है, so it's मैंने आपको जो crash course पढ़ाया था वहाँ पे भी बात की थी, the constitutional amendment acts are very important. ठीक है, वहाँ पे ये multiple choice type questions
वहां पे दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग मैचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विद देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वहां पे एग्जैक्टली पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप इसके बारे में पढ़ा हो तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, ठीक है, और आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू लाइफ के अंदर ही ऐड किया गया था। एंड सेकेंडली इट वॉज रिमूव फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, पहले ये DPSPs में था, एंड आफ्टर दैट थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट और DPSPs में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो दिस विल ऑलवेज बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ओके, एंड फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, सो ऑप्शन करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज 1 and 2, ओके। सो थ्रू आवर डिस्कशन आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दिस इज रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पिछले 2-3 सालों में इतना न्यूज में रहा, इतना चर्चित रहा, एंड यू माइट थिंक कि भाई इट हैज बीन अप्लाइड इन होल ऑफ इंडिया, बट ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। आर्टिकल 44 के अंडर प्रोविजन थी रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, एंड आर्टिकल 44 किस में है, इट इज अंडर DPSPs। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि DPSPs में एक्जैक्टली कौन से आर्टिकल्स हैं। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए अबाउट पॉलिटी करंट अफेयर्स, अगर आपने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, वी हैव क्रैश कोर्स जहां पे लेस देन 10 आवर्स में वी हैव कवर्ड पॉलिटी, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन, महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट, नो, द राइट आंसर इज गोवा। गोवा इकलौती स्टेट है जहां पे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, आपको एक स्टेटमेंट आता होगा, दूसरा नहीं आता होगा। सो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। ऑलराइट, अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, सो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये फॉर्म गई थी, ये फॉर्म की गई थी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं और इंडिया एज अ इंडिया की पहली पार्लियामेंट नहीं एस्टैब्लिश हुई, दैट वाज इन 1950, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो वर्कड एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। और एक डिफरेंस था यहाँ पे कि जब पार्लियामेंट की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी तो उसका चेयरमैन जो थे वो डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू व्हेन इट ऑपरेटेड एंड एक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे, ठीक है, और जब वो एज फर्स्ट पार्लियामेंट और फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया काम करते थे तो इट वॉज जीवी मावलंकर। सो सी वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे ये आपको जानने की जरूरत है कि चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट वॉज जीवी मावलंकर, एंड सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये दो चीजें यहाँ पे आपको लिए जानना इंपॉर्टेंट है। एंड सी ऐसे क्वेश्चन को देख के आई वुड से कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा, यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। देन अबाउट एमरजेंसी, एमरजेंसी मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे एक तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड सेकेंडली कॉन्सेप्ट आपके काफी इन्वॉल्व रहते हैं, ओके। सो अगर पार्लियामेंट्री, अगर सपोज हम रेवोकेशन की बात करें, रेवोकेशन मतलब कि जब नेशनल इमरजेंसी को एंड करना है, ठीक है, सो अगर आपको नेशनल इमरजेंसी को एंड करना होता है उस केस में दो तरीके हैं आपके पास, एक प्रेसिडेंट कैन पास अ रेजोल्यूशन एंड इट विल बी रिवोक्ड, और इस केस में यू डोंट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सेकंड, लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करे अप्रूविंग द विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इस केस में सिंस लोकसभा इज इन्वॉल्व सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज देयर, बट सी नॉट नेसेसरी कहा है, ये नहीं पूछा कि कर सकती है, ये कहा है कि जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई और ऑप्शन भी है आपके पास। ये वर्ड्स नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है, मे
विल, शुड, इस तरह के वर्ड्स जब आ जाते हैं ना, देन यू हैव टू बी केयरफुल. क्यों? क्योंकि मे का मतलब है कि कर सकता है, ठीक है, विल का मतलब है कि करेगा, शुड मतलब करना चाहिए. ओके, अब यहां पे एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी अलग है, और जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो वीकनेस है, वो कम होती जा रही है, और जहां वीकनेस कम होगी वहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए. कर सकता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स, आप कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे स्टडी फॉर 10 आवर्स, बट यू विल स्टडी फॉर 10 आवर्स. यहाँ पे एक सॉलिड स्टेटमेंट है, एक कंक्रीट स्टेटमेंट है. सो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है. काफी क्वेश्चन में आपको फंसाते हैं विद दीज काइंड ऑफ यू नो वर्ड्स. एंड नेक्स्ट इज कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस में इंक्लूड किया गया लोकलाइज इमरजेंसी को. लोकलाइज इमरजेंसी का क्या मतलब है? सपोज नॉर्थ इंडिया में बॉर्डर के अलाउंड देयर इज सम प्रॉब्लम, एक इंटर एक्सटर्नल इन्वेजन का चांस है कि सपोज लेट से पाकिस्तान इन्वेड कर सकता है, उस केस में अलोंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी कि लेट से J&K, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी. बट इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल में भी इमरजेंसी होगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड इमरजेंसी, और लोकलाइज्ड इमरजेंसी के रिलेटेड जो प्रोविजन थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एड किए गए थे, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको फैक्ट्स, मैंने आपको जो एक्ट के कारण हुआ वो चीज सही दे दी, बट एक्ट मैंने गलत बता दिया. सो एक मेरा आपको सजेशन रहेगा, 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अच्छे से पढ़िए. देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था दैट वाज एडेड बिफोर द इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के पहले एड हुआ था. While 44th Constitutional Amendment Act जो था, that was added after emergency, और इसका main purpose ये था कि emergency time पे और emergency को लागू करते हुए जो sort of discrepancies थी, ठीक है, जो constitutionalism के against जो policies थी in the constitution, उनको हल किया जाए. For example, written recommendation of parliament अगर आपको चाहिए for approving emergency. This was not prior to that, ठीक है. कैबिनेट का नोट चाहिए, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को डाल दिया प्रेसिडेंट की भाई ठीक है इमरजेंसी घोषित कीजिए, बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैबिनेट की भी जरूरत आ पड़ी, लोकसभा का भी रोल इंक्रीज हुआ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड वाइल नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ठीक है. सो आंसर वुड बी 1 and 3, दैट इज डी. अब ये आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन द अदर पीडीएफ, जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है, वहां पे मैंने ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की है. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन पीडीएफ, ये मैं अपलोड कर दूंगा इन द टेलीग्राम चैनल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमने काफी अच्छे से पढ़ा इन आवर क्रैश कोर्स. जिन्होंने पढ़ा है, दे वुड हैव बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन क्वाइट इजीली, ठीक है. तो यहां पे बात हो रही है कि बिल सीकिंग अमेंडमेंट टू फेडरल प्रोविजंस, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर कोई बिल, सपोज फेडरल प्रोविजंस की बात करते हैं, लेट्स से शेड्यूल 7 में चेंजेस लाने की बात करता है. और मैंने आपको बताया है कि पहली बात, किसी इस तरह के किसी भी बिल को प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत. दोनों हाउसेस से ये पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी. व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 ऑफ those present and voting plus half of total membership of the house. Okay, so this is important about the special majority. Now last statement, yahan pe aapko dekhiye ratification de di, but maine ye procedural sahi diya, but the number ki kitna majority hona chahiye wo galat kar diya. Majority is 50% of states, theek hai. 50% से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर जब उस बिल को रेटिफाई कर देंगे, रेटिफिकेशन का मतलब है कि सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करना, और सिंपल मेजोरिटी क्या है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है. सो वो बिल पास हो जाएगा. अब एक दो चीजें और हैं कि सॉरी, इसका ऑप्शन इज आंसर 2 ओनली. नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कौन से फीचर्स हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से या किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ऐड किए हैं. सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी मार्वेलस डॉक्यूमेंट, और हमने काफी सारे
देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है इसका। सो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार लिस्ट पढ़ लेनी चाहिए, लिस्ट को फोटोस्टैट कीजिए, फोटो खींच के अपना वॉलपेपर बनाइए, अपने दीवार पे कहीं चिपका लीजिए, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है, ठीक है। और इसका आंसर है बी। ओके, सो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वी हैव बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी वी हैव बोरोड फ्रॉम वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक वॉज जर्मनी। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने किया यूएसए से, और कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बाकी चीजें भी हैं, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से बोरो की। इसी तरह के जो बाकी प्रोविजन हैं यू शुड नो अबाउट दम, एंड अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। See, contempt of court basically is power given to a court for punishing anyone जो court की decisions के against जाए, या court की जो reputation है उसको malign करे, या फिर कोई जो court के काम में working में आड़े बने, बाधा डाले, ठीक है। इसके लिए define किया है, because ultimately courts have a very important role to play in our constitution. अगर कोई भी उस काम में अड़चन डालेगा, that would be very detrimental, वो काफी harmful रहेगा for the working of our polity, ठीक है। अब article 219 and article 250 के अंदर ये power दी गई है, और यही जो provisions हैं, they make supreme court and high court as court of records. ये एक आपके लिए जानना important है। और supreme court के पास power है to punish for contempt of high court and subordinate courts also, ठीक है। अब पहली बात तो contempt of court जो है it has not been defined in the constitution, ये एक important fact है, ठीक है। Secondly, जो contempt of court act of 1971 है वो regulate करता है इसकी power को। regulation का क्या मतलब है कि वो बताता है कि किन चीजों के लिए contempt हो सकती है, किन के लिए नहीं हो सकती है, ठीक है। contempt की पनिशमेंट क्या हो सकती है, इस तरह की चीजें जो है दे आर डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और कंटेम्प्ट बोथ सिविल और क्रिमिनल हो सकती है, यानी कि आपको एक मॉनेटरी पेनल्टी भी पड़ सकती है दूसरा, या फिर आपको एक क्रिमिनल जेल भी हो सकती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे ये आपने पढ़े होंगे थ्रू रीडिंग लक्ष्मीकांत, या कहीं से भी आपने पढ़ा है, हमारा क्रैश कोर्स पढ़ा है, वहां पे भी अच्छे से ये चीजें डिस्कस की है। अब ये क्वेश्चन है जो हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, और ऑप्शंस को देख के आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेस, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास आइडिया नहीं है, डोंट अटेम्प्ट, ठीक है। देखिए तुक्का मारने की जरूरत नहीं। मैंने लास्ट ईयर के पेपर में एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बेसिक्स पढ़ के जाते हो तो 35 से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में जाके जब हम देखते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन यानी कि अबाउट 80 मार्क्स ऑफ पेपर वी डू, बट देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी कि यार पे अटेम्प्ट तो ज्यादा करना पड़ेगा, 40 नंबर्स नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट एक्यूरेट। सो लेट्स सी अनदर 20 क्वेश्चंस ना यू विल बी एबल टू डू, 20 और 30 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू सम वे, थोड़ा आइडिया है। और पीसीएस में वो आइडिया और एलिमिनेशन और स्मार्ट गेसिंग का चांस और कम होता है। आई ओवर अटेम्प्टेड द लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली मेरा मार्क्स अच्छे बन गए, बट देर वॉज अ वेरी हाई चांस कि अगर कुछ और मिस्टेक्स कर दी होती मैंने तो मैं बहुत एक थिन मार्जिन पे आ जाता। ओके, सो वहां से मेरी ये लर्निंग थी कि ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना। मैंने भी 5-7 क्वेश्चन में ब्लाइंड गेसिंग की थी, विच इज नेवर सजेस्टेबल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये। ओके, सो ब्लाइंड गेसिंग की जरूरत नहीं है। अब इसका ऑप्शन क्या है, ये आपके कंटेंट एंडिशन में काम आएगा। प्लूटोक्रेसी इज अ सोसाइटी विच इज गवर्न्ड बाय पीपल ऑफ वेल्थ, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अ सोसाइटी दैट इज गवर्न्ड बाय नोबिलिटी इज एरिस्टोक्रेसी, ये चीजें लिख लीजिए, ये मैंने आपके नोट्स में नहीं दिया उसमें। ओके, अ सोसाइटी विच इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस, दिस इज क्लेप्टोक्रेसी। अरे सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय टेक्निकल पीपल हैविंग टेक्निकल एक्सपर्टीज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, टेक्नोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचायत के अंदर। आई विल रिकमेंड, अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज अच्छे से पढ़िए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। सो अब इसके प्रोविजन क्या है? पहला सेगमेंट, इट एक्सटेंड्स द प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज टू फिफ्थ शेड्यूल एरिया, राइट। इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज हैं, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर जो एरियाज हैं, वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो प्रोविजन है अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, वो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। बट जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दे हैव दिस स्पेशल गवर्नेंस मॉडल, ठीक है, इसीलिए एक्ट बनाया गया टू इंश्योर कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रोविजन, उसके फायदे ट्राइबल्स को भी मिले, शेड्यूल एरियाज में भी मिले। ओके, सो अब सेकंड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन टू ग्राम सभा इन मैटर्स रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। एंड एम्पावर्स ग्राम सभा टू कंट्रोल मनी लेंडिंग टू एसटीज। आपने ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मनी लेंडर्स ने क्या गदर मचाया था इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है, दे वुड गिव डोल आउट मनी टू द ट्राइबल्स और इंटरेस्ट रेट के चक्कर में या पैसे की कमी की वजह से दे वुड टेक द लोन और बाद में जब पैसा नहीं होता था तो उनकी लैंड ले लेते थे, ठीक है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कारण तीसरा एक्ट लाया गया और इसने ये किया। और ऑप्शन इज डी सोल्यूशन में इसका मैंने आपको एक दिया हुआ है, या पढ़ लीजिए, क्रैश कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमने। कोरम इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप सबको आया होगा। एंड कोरम इज बेसिकली द मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस दैट यू नीड टू स्टार्ट अ सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइव वीडियो ले रहा होता तो मैं बोलता कि 10 बंदों की कोरम है, और 10 बंदों की कोरम मतलब कि जब तक 10 लोग जुड़ेंगे नहीं, 10 लोग नहीं देख रहे होंगे तब तक वी वोंट स्टॉप। और इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इट इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सिंपल, नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। अनदर टॉपिक विच इज इन न्यूज, विच इज एंटी डिफेक्शन लॉ। महाराष्ट्र का जो कियोस इस टाइम पे चल रहा है उसके बाद ये ऑब्वियसली इट्स इन न्यूज, और इंडिया में तो वैसे ही हॉर्स ट्रेडिंग इज क्वाइट फेमस, हॉर्स ट्रेडिंग आपके पूछ सकते हैं। ओके, सो 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, इसके कारण 10th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये इसके प्रोविजन कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के कि एक एमपी एमएलए जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का है, ही कैनॉट वोट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पार्टी एंड ही कैनॉट लीव द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, या फिर पार्टी से बाहर निकल के किसी और पार्टी के लिए वोटिंग नहीं कर सकते अनलेस कुछ एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन है कि स्प्लिट हो जाए, एक 2/3 फ्रिक्शन स्प्लिट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के केस में जो स्प्लिट हुआ है दैट इज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई मेंबर जो है वो अपने हाउस की सीट गिव अप कर देता है वॉलेंटरीली, अपने पॉलिटिकल पार्टी की सीट गिव अप कर देता है वॉलेंटरीली, ठीक है, या इंडिपेंडेंट मेंबर जो है ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट में कहा गया कि जो स्पीकर है या चेयरमैन है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, उनका डिसीजन वुड बी फाइनल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स, ठीक है। बट इन द क्योटो होलोहान केस इट वाज हेल्ड दैट डिसीजन ऑफ जो स्पीकर होगा दैट वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड दैट इट कैन बी मालाफाइड, यानी कि इंटेंशन गलत हो सकती है स्पीकर। फॉर एग्जांपल स्पीकर जो है ही इज पार्टिजन, ही इज इन फेवर ऑफ वन पार्टी, रूलिंग पार्टी के फेवर में है, या फिर उस पार्टी के फेवर में जो मर्ज कर रही है, जो स्प्लिट हो रही है, ठीक है। सो ये आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है कि होटो होलोहान केस जो है दैट इज रिगार्डिंग टू दिस, दैट इज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। सी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केसेस आपको पता होनी चाहिए, पढ़िए जो भी आपके नोट्स हैं वहां से पढ़िए इंपॉर्टेंट केसेस। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमने थ्रू आउट और क्रैश कोर्स जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो लिखे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है टू वॉच द वीडियो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे देयर इज अ पीडीएफ ऑफ द लेक्चर्स आल्सो, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पॉलिटी सेशन। सो सेकेंड इज ऑल्सो राइट, ऑप्शन वुड बी सी। ओके, सो नेक्स्ट इज वाइज, आपने देखा होगा कि जब स्नो पड़ती है इंडिया में तो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बट फॉरेन
फॉरेन मेड इज क्वाइट प्रेवलेंट, और काफी मूवीज या टीवी सीरीज में आपने दिखा होगा कि दे एड सॉल्ट ओवर देयर पोर्च टू यू नो रिमूव द स्नो एंड आइस. और ये क्यों होता है? क्वेश्चन ये है कि वाई इज स्नो एडेड ओवर कवर्ड रोड्स इन विंटर्स. ठीक है, सो अब यहां पर लॉजिकली सोचिए, हर एक स्टेटमेंट को लॉजिकली देखते हैं. सॉल्ट इंक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दस मेल्ट सेट. अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो जल्दी फ्रीज होगा ना वाटर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले -6 था, अगर -2 हो गया तो वाटर जल्दी फ्रीज करेगा. जबकि सॉल्ट डालने अगर बर्फ को पिघलाना है तो हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम जाए. नेगेटिव सपोज -6 था तो -10 चले जाए, इससे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज लॉजिकली रॉन्ग. आपको मैं यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक या लॉजिकल गेसिंग के बारे में बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सॉल्ट ऑल्टर्स द क्यूबिक लेटर्स ऑफ स्नो एंड दस चेंजेस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्नो. चलिए इसको हम देखते हैं कि मे बी, मैं नहीं पता, देखते हैं इसको. सॉल्ट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दस मेल्ट्स इट. मैंने क्या बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर कम होगा, यानी कि पहले -6 से -10 पे चला गया, यानी कि वो -6 पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो सॉल्ट डालने से मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो ये ऑप्शन सही लग रहा है. सॉल्ट रिएक्ट विद आइस और स्नो लीडिंग टू एक्सोथर्मिक रिलीज ऑफ हीट दस मेल्टिंग इट. सी, एक्सोथर्मिक रिलीज मतलब कि हीट निकल रही है बेसिकली. ठीक है, सो अगर ऐसा होता तो नॉर्मली हम जब खाते हुए काफी चीजों में सॉल्ट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी वगैरह, आइस डालें और सॉल्ट डालें, तो बर्फ को बहुत जल्दी पिघल जाना चाहिए. ऐसा भी नहीं होता. ठीक है ना, सो अगर आप देखें तो आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, और ये ऑप्शन पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए. अब दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट गेसिंग. यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नहीं पता, साइंस नहीं पता बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, आप यहाँ पे लॉजिकली गेस कर सकते हैं. और इन लॉजिकल गेसिंग सी नेवर यू विल गेट 100% राइट. ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव टू टेक अ चांस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप सॉर्ट ऑफ 50-50 पे ले आए, दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, उनमें से एक आपको चूज करना है, और यहाँ पे जो एक है वो भी लॉजिकली यू फील कि हाँ यार ये सही होना चाहिए. सो अब ऐसे लॉजिकल गेसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, 1/3 की नेगेटिव है. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.66 मार्क्स कम होंगे. ठीक है, और अगर सपोज आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, 50-50 चांस में अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको दो नंबर मिल जाएंगे, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि 0.66 कम हो जाएंगे. तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप स्मार्ट गेसिंग करें, ओवर गेसिंग नहीं करना, जहां पर बिल्कुल ही नहीं पता वहां पे तुक्का नहीं मारना. जहां पे आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग सम लॉजिक या आपको थोड़ा सा आइडिया, वहां पे आप गेसिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं. और इसका एक और मतलब भी है कि अगर आप सपोज 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो यू लूज 1/3 2 मार्क्स. और यही अगर सपोज आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, you will gain 2 marks. यानी कि सपोज अगर हमने 5 क्वेश्चन इस लॉजिकल गेसिंग से अटेम्प्ट किए, सो आप 4 मार्क्स गेन करेंगे और 2 मार्क्स कम होंगे. ओवरऑल यू विल बी गेनिंग 2 मार्क्स. ठीक है, बट वार्निंग मेरी ये है कि ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी. जहां आपको अंदाजा है, यू नो यू हैव रेड समवेयर बट आपको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लॉजिक यू कैन फाइंड, वहां पे ये गेसिंग पॉसिबल है. वन वर्ड स्टेटमेंट में नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बड़ी, यू कैनॉट गेस की वेदर इज इट इज 91 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर. इट्स अ फैक्ट. अगर आपको या तो पता है या तो नहीं पता. बट वही है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्यों बढ़ रही है, और वहां पे 3 स्टेटमेंट है, आपको 2 में डाउट है, बट ऑप्शन इस तरह के यू फील कि अगर यहाँ पे चांस लें सो यू माइट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स. हम आगे भी डिस्कस करेंगे. और जो डेली हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस डालते हैं वो भी इस तरह से ही फ्रेम करते हैं कि हम लॉजिकल गेसिंग का यूज कर पाए. ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखिए. इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्क्स, न्यूट्रॉन्स, एंटी क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स. सी, क्वार्क्स, न्यूट्रॉन्स, एंटी क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं एक एलिमेंट, एक एटम के. ठीक है,
इन्हीं के मिला के दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। क्वार्क एक सब ग्रुप है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्लूडेड लिप्टॉन्स, ठीक है। सो ये आपके लिए जानना, ये आपके लिए एक जानना जरूरी है। एंड आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स जिनसे बनता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लिप्टॉन्स जिनमें इंक्लूडेड है इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, टाउज एटसेट्रा, एंड गॉज बोसॉन्स एंड हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, ठीक है। ये काफी एडवांस चीजें हैं, याद रखिए। यू नेवर नो, क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं बेसिकली, ये पहली बात, इनके रिगार्डिंग थियोरेटिकल जो नॉलेज है, थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे वर गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916 इन हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सोचिए 1916 में ही हैड मेड अ डिस्कवरी, एक थियोरेटिकल डिस्कवरी उन्होंने की थी कि ऐसा कुछ ग्रेविटेशनल वेव टाइप का कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा। और 2000s में आके 2010 के बाद में वी हैव बीन एबल टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कोरोबोरेट उनकी जो थियोरेटिकल उस टाइम पे थियोरीज थी। ओके, सो दैट इज हाउ साइंस वर्क्स, यू नेवर नो थियोरीज कब प्रूव हो जाए और कब डिसप्रूव हो जाए। सो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिफाइन करते हैं एज रिपल्स इन फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इसका मतलब यह है कि अगर सपोज यूनिवर्स, पूरा जो यूनिवर्स है इसमें अगर स्पेस एंड टाइम का बना हुआ है, तो कभी भी कोई बहुत ही एक ऐसा इवेंट होगा जो बहुत एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो जो फैब्रिक है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड वो डिस्टर्बेंस इसलिए होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है दे विल बी डिस्टॉर्टेड। ओके, और ये फाइनली काफी देर से थ्योरी थी, फाइनली लीगो लेबोरेटरी ने इसको प्रूव किया, ग्रेविटेशनल वेव्स को फाइनली एक बार ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब ये नहीं कि देखा गया, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स वी वर एबल टू सी कि अच्छा यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल वेव टाइप का गुजर रहा है, जिससे आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो प्रूफ होगी। ओके, सो अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इट कैन पास थ्रू एनी इंटरवीनिंग मैटर विदाउट बीइंग स्कैटर्ड, यानी कि किसी भी मीडियम के थ्रू ये गुजर हो सकती है, मेरे हाथ से, मेरी बॉडी से गुजर जाएंगी, इस लैपटॉप से गुजर जाएंगी, आपके थ्रू गुजर जाएंगी, एंड यू विल नेवर बी एबल टू फील इट। इसीलिए इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ एक सेटअप तैयार किया गया, एक स्पेशल लैब तैयार की, जिसको लीगो डिटेक्टर्स कहते हैं। और रिसेंटली दो ब्लैक होल्स के टकराने को, कोलिजन को भी डिटेक्ट किया गया था इससे। सो ग्रेविटेशनल वेव्स इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर पढ़िए, आपके नोट्स में ये अवेलेबल है, मेजर जो पीटीज वगैरह हैं उनमें भी अवेलेबल हैं। वील ऑल्सो डिस्कस दीज इन आर करंट साइंस एंड टेक करंट लेक्चर्स। नेक्स्ट इज अबाउट विटामिन्स। सो विटामिन्स वी नो आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, काफी क्रूशियल फंक्शंस करते हैं। और मेजर विटामिन्स ये हैं ए बी सी डी ई एंड के। सो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच आर फैट सॉल्युबल एंड विच आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये है कि जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एंड ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं थ्रू परस्पिरेशन, पसीना आता है उससे निकल जाते हैं, या थ्रू यूरिन, ठीक है। इसीलिए ये हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक ठहरते नहीं है और हमें इनको बार बार लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स जो हैं, या बिकासूल जिनको हम कॉमन भाषा में कहते हैं, वो काफी लोग लेते हैं, आप में से भी काफी लोगों को ले होंगे, आपके पेरेंट्स ले रहे होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स ले रहे होंगे, वो उसमें मेजर विटामिन बी12 की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि B12 जो है इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी और वो आपको जरूरत है। सिमिलरली विटामिन सी, इट इज सेड कि लेमन रोज खाओ, विटामिन सी के टेबलेट्स दिए जाते हैं, काफी फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, बट इट्स नॉट सेड कि आपको विटामिन डी रोज खाना है या विटामिन ए रोज खाना है, ठीक है। सो नॉट फैट सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल, और फैट सॉल्युबल का क्या मतलब है, पहली बात ये पाए जाते हैं इन द फैट, घी में मिलेंगे आपको, एग योक में मिलेंगे, इन सब चीजों में मिलेंगे। सेकेंडली जो एक्सेस होता है, सपोज आपकी बॉडी ने यूज कर लिया उसके बाद में कुछ विटामिन सी विटामिन डी बचा, ठीक है, वो जो एक्सेस विटामिन होगा दैट वुड बी स्टोर्ड इन योर लिवर और जो आपकी बॉडी का फैट टिश्यू है उसमें स्टोर होगा, ठीक है, और बाद में वो यूज होता रहेगा जब जो इनटेक आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें जो वाटर सॉल्युबल है वो बार बार खाने पड़ते हैं क्योंकि वो यूरिन के साथ में पसीने में निकल जाते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल दे स्टे इन योर बॉडी फॉर अ ब्रीफ टाइम।
ओके, अब एक जो एक्सरसाइज मैं आपको बोलूंगा कि स्टडी की विटामिन ए के, कोई भी विटामिन है, उसके सोर्सेस क्या हैं, क्या क्या फूड खाने से आपको मिलता है, अगर उसकी कमी हो, डिफिशियंसी से क्या डिजीजेस हो सकती हैं, ये दो चीजें आपको पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए की डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, ओके, और सोर्सेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो सकता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑप्शन इज सी, टू एंड थ्री। सो नेक्स्ट इज एनएफटी। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। आजकल तो काफी न्यूज में है ये पर्टिकुलर टर्म, और एनएफटी का मतलब बेसिकली है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आर्ट है, मैंने एक पेंटिंग क्रिएट की है या एक म्यूजिक क्रिएट किया है, अब उसको मैं एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, उसका एक टोकन बना के आई कैन क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेस्ड होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि हाईली सिक्योर है, ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट है उसको, और क्रिप्टोग्राफी से वो काम करती है। सो मैं उसको ब्लॉकचेन पे एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन अपने फिजिकल एसेट का बनाऊंगा और बाद में उसको आई कैन सेल ऑफ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया, मैं क्रिएटेड अ पीस ऑफ म्यूजिक, मुझे लगता है कि ये आगे जाके हिट होगा या फिर इससे बाद में आई कैन गेट सम मनी, सो मैं उसका एक एनएफटी बना लूंगा और आई विल कीप इट, जब मुझे लगेगा कि इसकी वैल्यू है तो मैं उसको मार्केट में कर सकता हूँ कि ओके, इफ एनीवन इज रेडी दे कैन बाय दिस पर्टिकुलर एनएफटी, ओके। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, दे कैन नॉट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं हो सकता, ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एनएफटी एक बहुत ही करंट इवेंट का इशू है, इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट इंटरनेट कुकी। आपने अगर कोई भी साइट खोला होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको पहले ऑप्शन आएगा, डू यू एक्सेप्ट कुकीज और डोंट एक्सेप्ट कुकीज, ठीक है। सो कुकीज होती क्या है? सो कुकीज का काम ये है कि कुकीज होती क्या है, इट इज अ मैसेज फ्रॉम given to a web browser intended to better guide the viewers through customization of web pages. For example, आप किसी भी साइट पे जा रहे हैं और वहां पे जाके आप पढ़ रहे हैं, let's say about something, ठीक है, आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वो जो कुकी होगा ना, that will store your data कि अच्छा आपने क्या पढ़ा, आपके क्या इंटरेस्ट है, आपने किस चीज पे क्लिक किया, और नेक्स्ट टाइम when you go to a browser, तो आप नोटिस करना है कि आपको वही चीजें रिकमेंडेशन में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो ये जो काम है, जो डेटा गैदरिंग का काम है, दैट इज डन थ्रू कुकी, और ये आपकी कंसेंट से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंटरनेट कुकी क्या है। बाकी टर्म्स जो है बेसिक इंटरनेट पे आपको पता होनी चाहिए, वायरस क्या होता है, फिशिंग क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रेज और रेडिएशंस आर यूज्ड इन थर्मल इमेजिंग। सो थर्मल इमेजिंग के लिए कौन सी रेडिएशन यूज हो सकती है? सो अगर आपको पता हो कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ठीक है, दे आर मेनली रिलेटेड टू हीट। अब तो आईआर स्टोर्स भी आ गए हैं आपके पास में, थोड़ा अगर आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे कि आपके अराउंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो अर्थ से निकलती हुई लॉन्ग रेंज जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको ट्रैप करती हैं। व्हाट इज दैट? इट इज हीट। और थर्मल इमेजिंग क्या है? थर्मल मींस हीट। हीट को जो इमेजिंग है, फॉर एग्जांपल आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि आर्मी मेन दे यूज नाइट विजन या फिर थर्मल इमेजिंग यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि सपोज मेरी बॉडी इस टाइम पे इज रेडिएटिंग सम हीट, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है विच इज रेडिएटिंग हीट, वो जो डिवाइस है दैट विल पर्टिकुलरली सी कि कहां से हीट निकल रहा है। दैट इज व्हाट थर्मल इमेजिंग इज ऑल अबाउट। और इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड लॉजिकली, ये अगर आपको बेसिक आइडिया इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, थर्मल इमेजिंग क्या होती है, यू कैन कनेक्ट। आपको सब चीजें पढ़ी हुई नहीं होंगी, ये चीज मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड नो विच क्वेश्चन टू सॉल्व। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत नहीं है, बट थर्मल इमेजिंग वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी आईआर और थर्मल इमेजिंग के बारे में थोड़ा सा भी आपको आइडिया है, आप 100% श्योर नहीं होंगे, बट यू शुड स्टिल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हमेशा एक लॉजिकल गेसिंग के रियल में आएगा, ठीक है। आई विल अश्योर यू
हम फिर जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी अगर आपको लगे कि दिस इज हेल्पिंग यू, लॉजिकल गेसिंग के बारे में हम और बात करेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस। लॉजिकल गेसिंग के बगैर आई डोंट थिंक कि आप 100% श्योर हो सकते हैं कि पेपर होगा, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट आइडिया। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती यार, ओके। सो एक्यूरेसी बढ़ाओ, बट विद दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू सॉल्विंग द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। सो पहले तो टर्म आ गए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हैज बीन चेंज्ड बाय यूजिंग लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल क्रिस्पर कैस 9 टेक्निक्स हैं जिसमें आप डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं, ओके। और अगर ऐसी एक क्रॉप की बात करूं तो बीटी कॉटन है जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट से कंट्रोल करने के लिए इट वॉज मेड एंड इट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और गवर्न कौन करती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब ये कमेटी बनाई किसके अंदर है? दिस इज मेड अंडर एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट, कंट्रोलिंग एक्ट। एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? अगर आप अभी सोचेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है ये क्वेश्चन है, जहां पे मतलब की गेसिंग इज ऑल्सो डबल इट सॉल्व। मैंने क्रॉप की बात की तो आप सोचेंगे कि यार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है। अर्थ साइंसेस के लिए ठीक है, थोड़ा लॉजिकल गेस तो नहीं बन रहा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट अपकमिंग टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट द रियल आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो बट ये जीईएसी एक बहुत ही ऐसा है कि अगर आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो हर तीसरे दिन आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा रिगार्डिंग जीईएसी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अबाउट लाइट फिडेलिटी। सो लाइट फिडेलिटी का मतलब है सी नॉर्मल वाईफाई क्या करता है कि आपका जो डेटा, सपोज आपके घर में अभी जो वाईफाई चल रहा होगा, वो जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वाईफाई द राउटर टू योर डिवाइस थ्रू रेडियो वेव्स, ओके। अब रेडियो वेव्स की दिक्कत ये है कि बैंडविड्थ बड़ी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि बैंडविड्थ की ऑक्शन होती है हर साल, ठीक है। ऑक्शन उस चीज की होती है जो एक लिमिटेड स्पेस है, ऑलराइट। ओशन कभी ऑक्शन नहीं होता, बट ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर कैन बी ऑप्शन, ठीक है। सो एक लिमिटेड स्कोप है उसका, हर जगह आपको एंटीनास बिछाने पड़ेंगे, कुछ देर के बाद इट गेट वीकेंड। इसीलिए एक नया डिस्कवरी हुई अबाउट लाइफाई यानी कि लाइट फिडेलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइट है, जो नॉर्मल लाइट आपको मिल रही है लेट्स से थ्रू यू एलईडी लाइट, इसको यूज करके आप इंटरनेट चला सकते हैं, ओके। और इसके फायदे नुकसान मैंने इस पीडीएफ में मेंशन किए हैं, यू शुड रीड अबाउट दिस। एक इंपॉर्टेंट चीज की डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है दैट इज वे मोर देन द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वाईफाई, ओके। एक नुकसान भी है कि कम डिस्टेंस लगे, फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब है तो आपको लाइट बल्ब के पास में ही रहना पड़ेगा टू एक्सेस द डेटा। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ऑप्शन आंसर इसका है ए, रेडियो वेव्स नहीं करता, ये लाइट वेव्स करता है। और थर्ड स्टेटमेंट मैं आपको पहले बता दिया, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज अबाउट केसलर सिंड्रोम, बहुत ये भी न्यूज में रहता है। सो केसलर सिंड्रोम बेसिकली मींस कि जैसे आज के टाइम पे देर आर सो मेनी सैटेलाइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स बीइंग लॉन्च्ड इनटू स्पेस। एलन मस्क ने तो अपनी एक स्टारलिंक लिंक जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान्स टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स इनटू लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट का क्या मतलब हुआ? अप टिल 600 किलोमीटर जो स्काई में, ठीक है। सो 600 किलोमीटर अगर स्काई में ऑर्बिट होगा तो अगर यहां पे इतनी सारी सैटेलाइट्स आ जाएंगी तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि अगर सपोज सैटेलाइट को कोई पुर्जा ढीला हो गया या कोई सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी तो इट माइट स्टार्ट कोलाइडिंग विद अदर सैटेलाइट्स। इसके कारण एक कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा जहां पे एक चीज दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से हेफाजत में टकराएंगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। पूरा अर्थ में ब्लैकआउट हो सकता है, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो सकता है क्योंकि जो सैटेलाइट के थ्रू हमारा बहुत सारा इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। हमें मैप्स
दिखना बंद हो सकते हैं, जीपीएस सिस्टम डाउन हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स डाले हुए, और ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज. बट अनदर वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे सिंड्रोम समझ के ये मत करना कि इट इज समथिंग दैट इज मेडिकल. यहाँ पे गेसिंग नहीं करनी है, यहाँ पे यू इधर नो इट और यू डोंट नो इट. गेसिंग मोस्टली ट्राई एंड डू इट्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट पार्कर सोलर प्रोब. सो पार्कर सोलर प्रोब, अब देखिए जो इंडियन जो स्पेस मिशन होते हैं ना, दी जनरली है हिंदी में, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान. ओके, सो अगर आपको ऐसा आए तो अगर आपको गेस करना हो, यू कैन से इसरो का तो नहीं होगा, यू कैन से इट. सो लॉन्च्ड बाय इसरो, लेट्स से ये दो स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रहे. अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, लॉन्च्ड बाय नासा टू ऑब्जर्व रिंग्स ऑफ सैटर्न. भाई सोलर नाम है, इट इज पार्कर सोलर प्रूफ, नॉट पार्कर सैटर्न प्रूफ. सो सैटर्न के लिए भी नहीं होगा, ज्यादा चांसेस हैं कि इट माइट बी, इट वुड बी फॉर सोलर सर्फेस. यू विल मार्क दिस ऑप्शन एंड दिस वुड बी राइट. ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ लॉजिकल गेसिंग आपने ये आंसर निकाल सकते हैं. फिर से सोचिएगा कि अगर आपको पेपर सॉल्व करना हो. अब एक टेंडेंसी जो होगी, जो काफी लोगों ने इस क्वेश्चन में किया होगा, पार्कर सोलर प्रूफ भाई पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करना है. ठीक है ना, सो अगर आप सिर्फ इसरो वाला लॉजिक नहीं भी लगाते कि इंडियन नेम वुड बी हिंदी, तो भी आप दो ऑप्शन को लिमिट कर सकते थे. और जहां भी 50-50 का ऑप्शन आए और अगर लगता है कि आपको कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप चांस लीजिए वहां पे. ओके, और ये चांस, एक और चीज मैं कहूंगा कि चांस फाइनल पेपर से लेने से पहले 25 दिन आपके पास हैं, प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. लास्ट के 10 दिन बेशक मत कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए और वहां पे ये जो टिप्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनको यूज कीजिए. ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हिट रेशियो क्या है. हिट रेशियो से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और 10 में से आप लेट से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, यानी ओवरऑल आप 2 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का पॉजिटिव निकाल रहे हैं, दैट वुड बी इन योर फेवर. बट अगर आप 6 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और 4 सही कर रहे हैं, वो आपके फेवर में नहीं है. ठीक है, ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा और कोई मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका हिट रेट क्या है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में पेपर से हफ्ता पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपने ये करना है या नहीं करना है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस. ठीक है जी, सो देखिए COVID-19 और ये पूछा गया कि कौन सी वायरल डिजीज है. COVID-19 ऑब्वियसली दिमाग खराब हुआ सबका COVID-19 के कारण, इट इज अ वायरस. जीका, अगर आप न्यूज जरा सा भी पढ़ रहे होंगे, जीका इज अ वायरस. ओके, सो यानी कि 1 और 2 वाले स्टेटमेंट सही है, यानी कि नंबर 3 स्टेटमेंट सही नहीं है. सॉरी, 1 और 3 वाले स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट होने ही चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, प्लेग, नो प्लेग के बारे में यू नो और यू डोंट नो, सो यू आर नॉट श्योर. ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट डेंगू. सो डेंगू के बारे में अगर आपको पता है, और आपको पता होना चाहिए, डेंगू कम्स फ्रॉम अ वायरस, डेंगू इज अ वायरल डिजीज. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि आपके पास 1, 2, 3, इससे ये भी ऑप्शन निकल जाता है. आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं. अब यहाँ पे आप कितना कॉन्फिडेंट है उसके हिसाब से चांस ले सकते हैं. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्लेग आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्लेग का, बुबोनिक प्लेग का भी काफी नाम सुनने में आया होगा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, कि भाई ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पेंडेमिक था, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, यूरोप में तो तबाही थी. सो प्लेग, बट प्लेग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. और प्लेग का जो वायरस है उसका नाम है यर्सीना पेस्टिस, ये चीज याद रखिएगा. ओके, सो ये ड्रिल्स करते ही अपने दिमाग में करते रहिएगा कि क्या ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है. अभी तक जितना मैंने आपको बताया कि
क्वेश्चन देख के डरना नहीं, अगर नहीं आता स्टिल गो फॉर इट, उसको और सोचो उसके बारे में, यू माइट बी एबल टू यू नो सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. हर बार नहीं होगा बट ये एक्सरसाइज करते रहोगे. देखो एग्जाम टाइम में जाके ही नहीं होगा, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके नेक्स्ट अबाउट S400 ट्रायम्फ, आई होप ये आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है, सो S400 के बारे में अगर आप देखें तो आपको ये पता होगा कि इट इज रशियन और ये एयर डिफेंस सिस्टम है. देखते हैं यहां पे अगर हम कुछ कर सकते हैं. सो इट इज एन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम. ओके देखते हैं. अब फोर देखिए, इट इज द सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम. अगर हमें पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम है तो सरफेस टू एयर मिसाइल तो होगी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम वही होता है कि ग्राउंड से आप मिसाइल फेंक मारते हो टू द इनकमिंग मिसाइल्स. ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर डेफिनेटली करेक्ट. ओके अब आपके पास दो ऑप्शन है जहां पे यू कैन बी डाउटफुल. और एस 400 का आपको पता होगा कि इंडिया वॉज ट्राइंग टू परचेज इट और यूएस की रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप नहीं खरीद सकते इसको. और यूएस जो है वो इसराइल का एलाइड पार्टनर है, तो यूएस वॉन्ट्स कि आप हमारे एलाय से मत खरीदो, देयर इज अ हाई चांस कि कोई और होगा. ठीक है, सो इस तरह के लॉजिक्स आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं, आपको नहीं पता तो भी आपके दिमाग में ये टेढ़ी मेढ़ी लॉजिक्स आ सकते हैं कई बार, एंड देन यू माइट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट इसका आंसर है बी, क्योंकि इसराइल ने नहीं रशिया ने बनाया है. यहाँ पे लॉजिकल गेसिंग की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कॉमन टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए. नहीं पता तो प्लीज अपने करंट अफेयर्स फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिए. हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये वो क्वेश्चन है जहां आपको अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है कोई लॉजिकल गेसिंग नहीं चलेगी. और इसका आंसर है वी रामकृष्णन. एक और एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए कि जितने भी इंडियन नोबेल लॉरेट्स हैं उनका ऑर्डर देख लीजिए कि सबसे पहले जो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था फॉर लिटरेचर, और सबसे रिसेंट जो मिला है वो अभिजीत बनर्जी को मिला है फॉर इकोनॉमिक्स. ठीक है, सीवी रमन को मिला था फिजिक्स में. सो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस को कौन सी कौन सी फील्ड मिला है. मर्त्य सेन को मिला है फॉर इकोनॉमिक्स, मदर टेरेसा को मिला है फॉर पीस. ओके सो नेक्स्ट इज फिट फॉर 55 क्या है. सो फिट फॉर 55 इज बेसिकली अ क्लाइमेट चेंज कॉम्बैटिंग चैलेंज. सो फिट फॉर 55 इज एन इनिशिएटिव बाय ईयू, और इसके अकॉर्डिंगली दे हैव केप्ट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो हैं बाय 55% बाय 2035. ठीक है, इतना ही आपको जानने की जरूरत है, बट ये न्यूज में रहा है, आपको करंट अफेयर्स में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा प्लीज करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए, हम भी एनवायरमेंट की जो सेशन होगी वहां पे ये चीजें डिस्कस करेंगे. ओके सो ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस. सो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होना चाहिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि कुछ जो गैसेस हैं वो अर्थ से निकलती हुई जो लॉन्ग रेंज रेडिएशन होती हैं, IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है, जो हीट अर्थ के सरफेस से निकलती है, उसको ट्रैप कर लेती है यहाँ पे. ठीक है, जिसके कारण जो नेचुरल हीटिंग होती है, नेचुरल हीट बैलेंस होता है अर्थ का, वो बिगड़ जाता है. और जैसा कि ग्रीन हाउस के अंदर होता है, एक्सेस हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये जो गैसेस हैं दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, वाटर वेपर्स हैं. ठीक है, सो ये सब चीजें जो, ये सब गैसेस जो हैं दे आर ग्रीन हाउस गैसेस. ओके नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अर्थ ओवरशूट डे ऑप्शन. द आंसर फॉर दिस 28th क्वेश्चन इज ए, एंड दैट इज 28th of July. सो अर्थ ओवरशूट डे उस दिन को माना जाता है जिस दिन एज पर साइंटिफिक एनालिसिस अगर अर्थ के पास एक ही साल का लेट से बजट होता कि आप एक ही साल तक रिसोर्सेस चला सकते हो नॉर्मली, तो वो कौन सा दिन होगा जब वो एक साल का रिसोर्सेस हम एग्जॉस्ट कर देंगे. यानी कि आइडियली जो रिसोर्सेज यानी कि वाटर, एयर, मिनरल्स, ऑक्सीजन,
वर्ल्ड जितने भी रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं, ये हम नॉर्मली एक साल में यूज करते, बट क्योंकि हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं वो जल्दी खत्म हो रहा है। वो कितने जल्दी खत्म हो रहा है, एज अर्ली एज 28 जुलाई, यानी कि हम 5 महीने पहले, जो 12 महीने में हमें रिसोर्सेज यूज करने थे वो हम 7 ही महीने में कर रहे हैं, और ये हर साल दर साल कम होता जा रहा है। इसीलिए इट इज सेड कि अगर डेवलप्ड वर्ल्ड को जितना रिसोर्सेज खर्च करने को मिलते हैं, उतने रिसोर्सेज अगर इस प्लैनेट के 7 बिलियन लोगों को मिल जाएं, तो बहुत ही जल्दी एक साल के अंदर ये प्लैनेट के रिसोर्सेज वुड बी ड्रेन्ड। ठीक है, सो अर्थ ओवरशूट डे का ये इंपॉर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैंग्रोव्स। सो मैंग्रोव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्री है जो कोस्ट लाइन के अलाउन पाया जाता है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कोस्टल इकोसिस्टम। इन द सेंस, पहला तो ये स्टॉर्म ब्रेकर का काम करता है, जो तूफान आता है उसको रोकने का काम करता है। जब भी साइक्लोन्स कभी इन एरिया से गुजरते हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे उनका इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू एरियाज जहाँ पे नहीं है। सेकेंडली, जो लोकल स्पीशीज हैं उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है। थर्डली, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जनरेशन का बींग ए ट्री काम करता है। सो मैंग्रोव के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं कि इनकी स्पेशल रूट्स हैं विच आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। बेसिकली मैंग्रोव जो है वो सॉल्टी रीजन्स पाए जाते हैं और उन रीजन्स में पानी भरा रहता है, वेटलैंड रीजन्स होते हैं। सो आइडियली एक ट्री को पानी वाले रीजन में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन जो चाहिए होती है वो नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाती। इसीलिए इनकी एरियल रूट, इनकी न्यूमेटोफोर्स होती हैं, स्पेशल रूट्स होती हैं जो पानी के सरफेस से बाहर निकलती है गेट इन ऑक्सीजन और लो ऑक्सीजन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दे आर विविपेरस ट्रीज, यानी कि इनके जो सीड्स हैं वो ब्रांचेस पे ही डेवलप होके उसके बाद में गिरते हैं, यानी कि वो ब्रांचेस से ही उग के तब जाके वो गिरते हैं। अदरवाइज अगर एक सीड सॉल्टी वाटर में या पानी में गिरेगा, इट वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। तो एक नेचुरल, नेचर ने एक मैकेनिज्म बना दिया है जिसके कारण वो सीड पेड़ पे ही ग्रो करके देन दे फॉल डाउन। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट में नहीं पाए जाते, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं, जिसके कारण थर्ड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। और इंडिया में दे आर फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ ऑल द स्टेट्स। सबसे ज्यादा दे आर फाउंड इन सुंदरबंस, यानी कि वेस्ट बंगाल में। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी इज इन भीतरकनिका रीजन, जो उड़ीसा में यहाँ पे कहीं पे है। उसके बाद में देन देयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, यानी कि सारी 10 की 10 कोस्टल स्टेट्स के अलाउ यू कैन फाइंड दम। ओके, सो दिस वॉज अबाउट मैंग्रोव्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं पढ़ा प्लीज दोबारा इनको जाके पढ़िए। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऐसे टॉपिक से मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स माइट गेट अ क्वेश्चन। सो 30th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 एंड एमिशन गैप रिपोर्ट। रिपोर्ट और इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट हम बना के भी देंगे आपको, जल्दी अपलोड करेंगे। और अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो बार बार रिवाइज कीजिए, अगेन पेस्ट इट ऑन द वॉल, बना के पेस्टेड ऑन द वॉल। सो UNEP जो है बेसिकली ये एनवायरमेंट के रिलेटेड रिपोर्ट्स निकालता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। और ये रिपोर्ट निकालता है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, मिशन गैप रिपोर्ट और इंटरपोल के साथ में मिलके राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, ये आप भी जानना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पे राइट में यू कैन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, और द राइट द सब्जेक्ट मैटर, इशू किस पे बेस्ड है, ठीक है। सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं, जो एनवायरनमेंट के अंडर आप पढ़ देंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको एक लिस्ट बना लीजिए अगेन अबाउट वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस। एंड अगर यहाँ पे देखिए तो मिनामाटा कन्वेंशन जो है दैट इज रिलेटेड टू मर्करी पॉल्यूशन, सो दिस वन इज राइट। Stockholm Convention is related to persistent organic pollutants. Persistent organic pollutants वो हैं, वो pollutants जो organic है
बट वो हमारे एटमोसफियर में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं. और किगाली एग्रीमेंट जो है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1980s में साइन हुआ था, ये उसका एक एक्सटेंशन है. और यहाँ पे HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, जो इस टाइम पे जो मोस्टली रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं आपके घर के ACs में, फ्रिज में, कूलेंट की तरह यूज होते हैं, उसको कट डाउन करने का, बिकॉज दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो. देन रॉटरडैम कन्वेंशन, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ केमिकल्स. ठीक है, यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट लिखा हुआ है, बट रॉटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स. यू शुड नो अबाउट दिस. ऑलराइट, सो आंसर वुड बी 1 and 2, दैट इज ए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी वन. कौन सा जो स्टेट है इनमें से, पंजाब, J&K, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, इनमें से इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन. रिवर बेसिन का मतलब ये है जहां जहां से वो गुजरता है उसका कैचमेंट एरिया आता है, ट्रिब्यूटरीज वहां से फ्लो करती हैं. ये पूरा जो रिवर का सॉर्ट ऑफ लाइफ लाइन्स है, जहां जहां से वो निकलती है, जहां जहां से उसको फ्लडिंग जाती है, दे इट ऑल कम्स अंडर रिवर बेसिन. ओके, सो इसके अगर मैप देखें, सो यू कैन सी कि ये देखिए, हरियाणा या उत्तराखंड से ये रिवर निकलता है, हिमाचल से भी कुछ पोर्शन है जो आता है, एंड देन फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सॉरी ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन सब स्टेट से आता है. अब कौन सी स्टेट से नहीं आ रहा, यहाँ पे देर इज अ रिवर डिवाइड. इस तरफ जो लेफ्ट ऑफ दिस रिवर डिवाइड जो है, द रिवर्स दे आर अंडर इंडस वाटर सिस्टम. सो J&K के रिवर्स, पंजाब के रिवर्स और उड़ीसा के भी अगर आप देखें, ये यहाँ उड़ीसा है, इसका भी कोई रिवर गंगा रिवर में ड्रेन नहीं कर रहा. ठीक है, सो आंसर वुड बी उड़ीसा, पंजाब एंड J&K. नीचे मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे. सबसे ज्यादा एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद MP में है, फिर बिहार में है. और इनफैक्ट ये रिवर्स के जो सोर्सेस हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी जाके दोनों एक गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम बनाते हैं, तो उनके सोर्सेस आर फ्रॉम चाइना एज वेल, नेपाल एज वेल, भूटान एज वेल. सो दिस इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट. रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहां पे हम प्राइमरीली थ्रू मैप्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, जिसमें रिवर सिस्टम आ जाएगा, माउंटेन सिस्टम आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, दैट वाज अबाउट स्पॉटलाइट इनिशिएटिव. देखिए, अनदर क्वेश्चन जहां पे आप अगर सपोज नाम पे जाएंगे तो आप शायद ये सिलेक्ट करेंगे कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ होगा, स्पॉटलाइट. बट अगेन, वन लाइनर में मैंने बताया था आपको, जब आपको आइडिया नहीं है ज्यादा, तो नेम के बेसिस पे आप आंसर नहीं कीजिएगा. कई बार सही होगा बट ये तुक्केबाजी में आएगा, एंड आई विल नेवर रिकमेंड कि सिर्फ नाम पढ़ के आप देख लीजिए, अच्छा ये होना चाहिए. तो इसका आंसर है, इट इज टू चेक द इंक्रीज इन केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. इट इज एन इनिशिएटिव बाय UN एंड यूरोपियन यूनियन. एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि 25 नवंबर जो है, दैट इज इंटरनेशनल डे टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मींस, बट छोटे छोटे फैक्ट्स, फैक्टॉइड्स हैं, दे कैन बी आस्क्ड इन द पेपर. सो नेक्स्ट फ्रेंड्स इज, ये कुछ और ग्लोबल कन्वेंशन हैं, एंड दे आर मोस्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी. सो इसमें पहला है क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. ठीक है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनके सेफ्टी के लिए, टू सेव गार्ड देयर हैबिटेट, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस इन 1979. साइट्स विच इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, इसका पर्पज ये है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, फॉर एग्जाम्पल गैंजिस डॉल्फिन है, ऑलराइट, या इंडियन टाइगर है, राइनोसोरस है, इन सब का जो ट्रेड है उसको मॉनिटर करना, इलीगल ट्रेड को बैन करना और एनफोर्स करना, जो प्रोविजंस डिफरेंट एनफोर्समेंट कन्वेंशन वगैरह साइन किए उनके प्रोविजन को एनफोर्स करना रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ दीज एंडेंजर्ड एनिमल्स. और ये जुलाई 1975 में इट केम इन टू फोर्स.
रामसर कन्वेंशन आपने नाम सुना ही होगा, दिस इज रिगार्डिंग वेटलैंड्स। और रामसर कन्वेंशन के अंडर जो वेटलैंड्स आती है दे आर कंसिडर्ड वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, काफ़ी सारे प्रोटेक्शन उनको दी जाती हैं। एंड लास्ट इज UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन बेसिकली मतलब होता है कि डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एंड जो सॉइल है वो प्रोडक्टिव नहीं रहती, धीरे धीरे इट स्टार्ट्स कन्वर्टेड इंटू वेस्ट लैंड एंड फाइनली इंटू डेजर्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑन द राइज। 1996 में इट केम इंटू फोर्स, 1975 में, दिसंबर 1975 में रामसर कन्वेंशन केम इंटू फोर्स। देखिए यहाँ पे यही पूछा होता केम इंटू फोर्स, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज थर्ड। सो आई वुड रिकमेंड अगेन कि जितनी भी ये कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इनके आप नोट्स बना लीजिए। और तीन चीजें, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, ऑब्जेक्टिव क्या था, किस बॉडी ने ये लाया। फॉर एग्जाम्पल CMS जो था इट वॉज बाई UNEP, और कौन कौन पार्टी है, कौन कौन सी प्रोमिनेंट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया किसी कन्वेंशन की अगर पार्टी नहीं है, सो यू शुड डेफिनेटली नो दैट बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल CMS में कौन सी स्पीशीज कौन से शेड्यूल में आ रही है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज। ठीक है, साइट्स में कौन सी स्पीशीज कौन से शेड्यूल में आ रही है, रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर वेटलैंड्स कौन सी है इंडिया में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू में ही सुरेश मानसर लेक सिस्टम जो है इट इज अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, सो ये चीजें आपको इनके बारे में पढ़नी है, विल ऑल्सो कवर दीज थिंग्स। सो अगर आपने बनाया है तो अच्छा है, अदरवाइज इन अ फ्यू डेज इन सब के शॉर्ट नोट्स हम आपको देंगे। अनदर मैप बेस्ड क्वेश्चन, सी JNK के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं JNK इन लद्दाख, उनका ऑर्डर क्या है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, सो लेट सी द मैप। सो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट है। तो आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका उल्टा कर लीजिएगा। सो दिस इज अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट होगा। उसके हिसाब से अपना आंसर मॉडिफाई कर लीजिएगा और मार्क्स ऊपर नीचे जो करना होगा वो कर लीजिएगा। बट ईस्ट टू वेस्ट में भी अगर आपने जो ऑप्शन निकाला होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका लॉजिक काम कर रहा है, आपकी नॉलेज काम कर रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम देखें तो सबसे ईस्ट में यू विल सी हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और हेमिस जो नेशनल पार्क है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ये लद्दाख रेंज के पास में पाई जाती है। एंड उसके लेफ्ट में देर इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेयर इज डाचीगम नेशनल पार्क, डाचीगम के साथ में ही देर इज सिटी नेशनल पार्क। ओके, या जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं। सो ईस्ट टू वेस्ट द ऑप्शंस वुड बी हेमिस, किश्तवाड़, डाचीगम एंड देन सिटी। ओके, सो ऑप्शन हेयर अगर आपने सही किया होगा तो पहले है सेकंड, देन थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, और उल्टा इसका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है 4132। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई होप आप इसको करेक्ट कर लेंगे। और इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। अगेन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आता है तो कीजिएगा, लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। ऊपर मैप क्वेश्चन में अगर आपको वेग आइडिया है यू कैन स्टिल मैनेज क्यों कि ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में देयर इज नो स्कोप फॉर दैट। आता है तो कीजिए वरना डू अटेम्प्ट इट। ओके, सो राइट आंसर हियर इज पटना। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ यू मस्ट नो, और ये काफी सारे रिवर्स में पाई जाती है, मेनली जो गंगा रिवर सिस्टम के रिवर्स हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, उनके ब्रह्मपुत्र में, गंगा में, मेघना में, कर्णफुली संगू रिवर है नेपाल में, और इंडिया बांग्लादेश और नेपाल के रिवर्स में पाया जाता है, क्योंकि इन तीन कंट्री से ही मोस्टली ये रिवर सिस्टम गुजरता है। IUCN स्टेटस यानी कि इंडेंजर्ड लिस्ट में उसका क्या स्टेटस है, रेड लिस्ट जो IUCN की है, द स्टेटस इज इंडेंजर्ड। ऑलराइट, और काफी सारे नामों से बुलाया जाता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी था कि सुसु कौन से एनिमल को कहा जाता है, सो सुसु कहा जाता है, साइड स्विमिंग डॉल्फिन कहा जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है क्योंकि दे कांट सी, ये इको लोकेशन के थ्रू
मूवमेंट करती हैं अपनी, सून्स कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट, बिहार काफी इम्पोर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी फर्स्ट इन इंडिया इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है बिहार में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है अबाउट द टर्म गोल्डिलॉक्स जोन्स। ओके, सो देखिए अगेन अगर वर्ड प्ले पे जाएं आप कि गोल्डिलॉक क्या हो सकते हैं, तो आप पहला ऑप्शन बड़ा इंटाइसिंग लगेगा कि वो रीजन अर्थ का जहां पे गोल्ड डिपॉजिट्स फाउंड होते हैं, बट आप क्योंकि और कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, अगर ये दो ऑप्शन में से चॉइस हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि यू कैन टेक अ कॉल, बट आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर ही नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। सो अगेन आता है तो टेक अ चांस, अदरवाइज ये भी वही क्वेश्चन है जहां पे आपको चांस नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, एंड सो बेसिकली इसका ऑप्शन है बी। और गोल्डिलॉक्स जोन वो जोन है एक स्टार के अराउंड, फॉर एग्जाम्पल हमारे सोलर सिस्टम में हेयर इज सन, इसके अराउंड वो जोन है, सपोज ये जोन है जहां पे लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जहां पे सन से डिस्टेंस इतना दूर है, ग्रेविटी इतनी दूर है, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि वहां पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ के लिए वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वाटर होगा तो वहां से ऑक्सीजन भी बन जाएगा थ्रू केमिकल रिएक्शंस। सो इसीलिए गोल्डिलॉक्स, फॉर एग्जांपल सर का गोल्डिलॉक्स जोन क्या है, हम बार बार बात करते हैं अबाउट लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन लेट्स से वीनस, और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी हैं। सो गोल्डिलॉक्स जोन वही होगा जहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा, और दूसरी चीज गोल्डिलॉक्स जोन वो जोन है जहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, लाइफ एग्जिस्ट करने के सिनेरियोज हैं, कंडीशंस ऐसी हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और गोल्डिलॉक्स जोन को सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन भी कहते हैं, ये भी एक नाम आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई फील इज क्वाइट इजी, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स। अगर आपने सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन टेक्निक्स पढ़े होंगे तो ये बहुत ही इजी होगा। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन, टेरेस फॉर्मिंग यस, काउंटर प्लोइंग यस, मिक्सड फॉर्मिंग यस, शेल्टर बेल्ट यस, ऑप्शन इज डीज। अब इन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। सी दिस इज स्टेप फॉर्मिंग, पहाड़ी इलाकों में अगर आप गए होंगे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में या फिर पुंछ राजौरी वाली साइड या डोडा किश्तवाड़ के एरियाज में, अपने देखो पहाड़ पे स्टेप फॉर्म में खेती होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, सपोज यहाँ से कुछ इरोजन होगा तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ से कुछ इरोजन होगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, पूरी मिट्टी नीचे नहीं बहेगी, वो किसी ना किसी फील्ड पे आके रुक जाएगी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टेरेस फॉर्मिंग। अब ये है शेल्टर बेल्ट, और ये विंड इरोजन के लिए मोस्टली होता है। इरोजन भी काफी तरह की है, वाटर से वाटर इरोजन होती है, विंड इरोजन होती है, ऑलराइट ग्लेशियल इरोजन होती है। सो विंड इरोजन से बचने के लिए सपोज आपका ये एक फील्ड है, खेत है, तो आप खेत के यहाँ पे घना जंगल टाइप का आप एक लेयर क्रिएट करोगे ऑफ ट्रीज, जिससे क्या होगा कि वो विंड को ब्रेक करेगा, विंड सपोज यहाँ से आ रही है वो ट्री से टकरा के वहीं रुक जाएगी या बहुत कम निकलेगी, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, जिससे यहाँ पे जो लैंड है, जो मिट्टी है, उस पे इरोजन का चांस कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट शेल्टर बेल्ट्स, एंड दिस इज कॉन्टूर प्लोइंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टूर प्लोइंग, अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा एक स्लोप वाला रीजन है, और यहाँ पे टेरेस नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा गैप पे लगा रहे हैं। ओके, और कंटूर्स बना रहे हैं, एक ये क्रॉप का कंटूर है, एक ये है, एक ये है, और बीच में ये गैप रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि यहां से अगर सपोज कुछ इरोजन होगी भी तो वो यहां जाकर रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन जो है वो होल्ड कर रही है सॉइल को। ओके, सो दिस ऑल्सो रिड्यूसेस लॉट ऑफ इरोजन। और मिक्स फार्मिंग, ऑब्वियसली अगर आप मिक्स क्रॉप्स लगा रहे हैं तो लंबे पीरियड के लिए लगेंगी, और कोई भी पैच आपका खाली नहीं छूटेगा, हर एक जगह पे क्रॉप्स होंगी और वो हेल्प करेगी इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट, लेट अस नो, इस चीज में हम और क्लैरिटी लाएंगे। अगले दो क्वेश्चन जो है दे आर क्वाइट बेसिक क्वेश्चन, आपने ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में आराम से पढ़े होंगे। सो पहला है अबाउट पी वेव्स, ठीक है, पी एंड एस वेव्स। सो
पहली बात तो है कि कौन सी वेव पहले आती है। इस ग्राफ पे अगर आप देखें, हमने डिस्कस किया कि सपोज ये जो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, दिस इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर, और वर्टिकली अबव उसके जो ग्राउंड पोर्शन होता है दैट इज नोन एज एपिसेंटर, ठीक है। और यहां से यहां तक जो वेव जाती हैं दे आर नोन एज बॉडी वेव्स, ओके। और बॉडी वेव्स जो है वो दो तरह की होती हैं, पी वेव्स होती हैं और एस वेव्स होती हैं। अब इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं इन आर लेक्चर्स, और अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंगली यू कैन रेफर टू द लेक्चर्स इन द क्रैश कोर्स। अब पी वेव्स जो हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं, ओके, उसके बाद आती हैं एस वेव्स और लास्ट में सरफेस वेव्स। ऑब्वियसली बॉडी वेव्स के बाद में ही सरफेस वेव्स आएंगी, ठीक है। सो पहले पॉइंट का आंसर जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकेंड इज एस वेव्स ट्रेवल्स टू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, उल्टा है, इट इज नॉट एस वेव्स, पी वेव्स जो है दे ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव की तरह काम करती हैं, साउंड वेव की तरह कंप्रेशन और एक्सपेंशन से आगे बढ़ती हैं, एंड साउंड जस्ट लाइक साउंड वेव्स दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स। एस वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह काम करती हैं और नहीं कर पाती। और तीसरा जो पॉइंट है, एस वेव का जो शेडो जोन है, यहाँ पे मैं शेडो जोन दिखा रहा हूँ, शेडो जोन वो एरिया है जहां पे अर्थ के वो एरिया में जहां पे वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है। पी वेव का शेडो जोन जो है वो इतना है, ओके, 39 डिग्रीज का, यानी कि 78 डिग्री का शेडो जोन है। और एस वेव का जो शेडो जोन है वो बहुत बड़ा है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, सो आंसर वुड बी 1 and 3, ओके। पी एन एस वेव बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सी अगर मैं फिर बेसिक टॉपिक भी पढ़ाने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ओके। मेरा पर्पज ये है टू लेट यू नो कि आंसर क्या है, आंसर में आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, और उसके थ्रू आपको क्या वैल्यूएशन करनी चाहिए, और अपनी गलतियां किस तरह से इम्प्रूव करें, ओके। सो नेक्स्ट इज अबाउट प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स वो होती हैं जब मोल्टन लावा जो है वो अंदर ही सेटल हो जाए और उसके कारण रॉक फॉर्म्स बने, यानी कि दोज रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। दीज आर अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का सोर्स क्या है, दैट इज लावा, मैग्मा। वो मैग्मा जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है एक वॉल्केनो के, जो उसके बाद में रॉक्स ये अंदर बनती हैं, दीज आर नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स। और काफी तरह की रॉक्स होती हैं बेस्ड ऑन देयर शेप, सो देखते हैं थ्रू डायग्राम। अब यू सी द नीचे वाली जो रॉक है, दिस इज नोन एज बैथोलिथ, ओके। और यहां पे ये जो लेंस शेप रॉक है, दिस इज नोन एज फैकोलिथ, और ये डोम शेप जो है, दिस इज नोन एज लैकोलिथ। सॉसर शेप जो है, सॉसर मतलब कि जिस पे चाय हम रखते हैं, दैट इज नोन एज लोपोलिथ, ओके। और ये जो एक एंगल पे बाहर निकलते हुए एक एक नाली की तरह जो बनती है, पाइप की तरह जो बनती है, दैट इज नोन एज डाइक, ओके। इस लैंडफॉर्म को कहा जाता है सिल। सो ये कुछ ब्रॉडली प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स हैं जो इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी सही तरह से नहीं मैच किया गया है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैप बेस्ड, नेक्स्ट टू क्वेश्चन जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्लोजेस्ट कौन सी कैपिटलाइज करती है। इसका आंसर ए है, की में आंसर डी दिया गया है, सो मार्क इट करेक्टली, आंसर ए है, ऑलराइट। की में बाय मिस्टेक आंसर ए लिख दिया गया, एंड अगर आप मैप पे देखें, सो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम से के वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, आपको याद होना चाहिए। इस मैप को अगेन सेव कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए इस मैप को, ओके। एंड कैपिटल जो सबसे पास है, ऑलमोस्ट इसके ऊपर लाई करती है, दैट इज गांधीनगर, और उसके साथ साथ रांची जो झारखंड की कैपिटल है, और त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, ये भी काफी क्लोज है इसके। सो ये आपको एक बार अच्छे से अपना एटलस मैप देखिए कि कौन सी गुजर रही है। अब कुछ फैक्ट्स जो हैं,
भोपाल गांधीनगर काफी क्लोज हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासेस थ्रू 17 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 6 बॉडीज। माही रिवर इज द ओनली रिवर, माही रिवर यहाँ पे कहीं लाई करती है जो दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। और कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को ट्वाइस कट करता है? दैट इज कॉन्गो रिवर। ओके, सो मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एट द वेरी लीस्ट दो या तीन क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और अगर आपने अच्छे से एग्जॉस्टिवली मैप्स पढ़े होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। हम मैपिंग सीरीज, हमने वर्ल्ड मैपिंग डिस्कस की है, प्लीज उसको रेफर कीजिए अगर आपने अब तक मैप नहीं पढ़े, और अगर पढ़ लिए हैं तो उनको रिवाइज कीजिए वापस। इंडियन मैपिंग अगेन आई विल स्टार्ट वेरी सून। सो नेक्स्ट इज अबाउट स्ट्रेट्स, कौन सा सी से गुजरेगा। वे पांच सीज दिए हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लेट सी, हमने जाना है न्यूयॉर्क से क्रीमियन पेनिनसुला तक, देखते हैं। सो न्यूयॉर्क ये यहां लाई कर रहा है, और क्रीमियन पेनिनसुला जो है इट लाइज राइट हियर, ठीक है, यानी कि वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब देखते हैं, सो अगर यहां से यहां तक जाना है तो पहले तो अटलांटिक ओशन होगा। ओके, न्यूयॉर्क से हम निकलेंगे वाया अटलांटिक ओशन, और ये स्पेन और मोरक्को के बीच में, अगर आपने मैपिंग सीरीज पढ़ी है जो मैंने काफी एग्जॉस्टिवली ये चीज डिस्कस की है, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हम मेडिटेरेनियन सी में घुसेंगे, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। यहां से होते हुए, क्योंकि यहां पे हमने जाना है, ग्रीस के साथ में एक सी आता है आयोनियन सी। ओके, यहां से अंदर हम घुसेंगे, देयर इज सी ऑफ मार्मारा, और यहां से आगे देयर इज ब्लैक सी, एंड विल रीच क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आती हैं, बोसोफोरस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज है। सो ये सब स्ट्रेट्स मैंने अगेन अच्छे से काफी एग्जॉस्टिवली, क्योंकि ये यूक्रेन का रीजन है और काफी न्यूज में है, चर्चित रीजन है इस टाइम पे, सो ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो ऑर्डर क्या होगा? अटलांटिक ओशन, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद एओनियन सी, उसके बाद सी ऑफ मार्मारा, और उसके बाद ब्लैक सी। देखते हैं अब इसका ऑप्शन क्या है। पहले होगा 1, देन 5, देन 3, देन 2, देन 4। 1, 5, 3, 2, 4। सो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन काफी इजीली आप कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से मैप पढ़ा होगा। ओके, सो लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट डिसकॉन्टिन्यूटीज। अब डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूटी बेसिकली मीन्स जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वहां पे आप एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से, एक डेंसिटी के स्ट्रक्चर से दूसरी डेंसिटी पे जाते हैं, तो एक डेंसिटी डिफरेंस है, तो उसके कारण डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट हो जाता है। जहां पे सपोज मोल्टन और सॉलिड मिलेगा, उसके बीच में बाउंड्री बनेगा, विच वी नो एज डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन था कि मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो आंसर है गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और बाकी डिसकॉन्टिन्यूटी अगर मैं बोलूँ तो अपर क्रस्ट और मेंटल के बीच में है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रिप्टिटी डिसकॉन्टिन्यूटी, आउटर कोर इनर कोर के बीच में है लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी। क्वाइट बेसिक क्वेश्चन, ये आप सबको किया होना चाहिए, अगर नहीं किया देन देयर इज अ नीड टू रिवाइज थिंग्स एग्जॉस्टिवली। डरने की जरूरत नहीं है, 25-26 दिन बचे हैं, बहुत टाइम है। नेक्स्ट इज अबाउट ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर हम जानते हैं कि लोअर मोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो 8 से 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर एट पोल्स और इक्वेटर। इक्वेटर में इसकी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके बाद कम होती जाती है टूवर्ड्स पोल। उसका रीजन ये है कि इक्वेटर पे जो एयर की अपलिफ्टिंग है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी होती है, एडियाबेटिक जो राइजिंग ऑफ हीट है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और उसके कारण जो एटमॉस्फेयर है अल्टीमेटली इट इज अ गैस, तो जो कन्वेक्शन करंट्स नीचे से ऊपर जाएंगे, एडवेक्शन होगी, तो वो ऊपर पुश हो जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट की इसकी हाइट जो है इट इज मोर एट इक्वेटर देन एट ट्रॉपिक ऑफ दैट देन एट पोल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ट्रोपोपॉज इज द एटमोस्फेरिक बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। ये स्टेटमेंट गलत है, अगर आप देखें तो ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ओके,
बाकी जो फैक्ट्स है रिगार्डिंग ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से, हमने भी डिस्कस किया अपने क्रैश कोर्स में। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन अबाउट अ रिवर, अब मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कौन से रिवर पे है मेकेदातु प्रोजेक्ट, काफी पुराना प्रोजेक्ट है, काफी कंटेस्टेड ये प्रोजेक्ट है, और दिस इज ऑन कावेरी रिवर, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें, पहला तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में प्रोजेक्ट है, एंड इफ वी रीड अबाउट कावेरी रिवर, सो कावेरी रिवर का जो सोर्स है वो वेस्टर्न घाट्स में है, और यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स का एक एरिया है, ओके। और ये जो है ये कर्नाटका से स्टार्ट होती है, देन तमिलनाडु के थ्रू होते हुए यहाँ पे जाके ये पौंडुचेरी पुडुचेरी के भी निकलते हुए इट फाइनली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ओके। देन दिस इज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड रिवर, और दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। अब जो एक चीज आपको पता होगी कि जितने इंडियन रिवर्स हैं, जो ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं बिटवीन स्टेट्स जो ट्रेवल करते हैं, इनके रिलेटेड काफी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। सतलुज के ऊपर डिस्प्यूट है, कावेरी के ऊपर डिस्प्यूट है, तुंगभद्रा के ऊपर डिस्प्यूट है, सो दिस इज क्वाइट प्रोमिनेंट स्पेशली इन साउथ इंडिया, एंड मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है इट लाइज हेयर ऑन द बाउंड्री ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पर्पल रेवोल्यूशन। सो पर्पल रेवोल्यूशन बेसिकली एरेमो मिशन एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर दे वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल वैल्यूज है जिनकी, जिनके परफ्यूम्स में यूज होता है, ठीक है। और इसमें से एक जो है दैट इज लेवेंडर ऑयल, जिसकी काफी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में और काफी एक्सपेंसिव है। पर्पज इसका ये है कि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी और इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकता है इन दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल्स, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इट इज अंडर एरोमा मिशन, और ये एक पायलट बेसिस पे इन डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी लॉन्च करने का इसका प्लान है, ओके। सो पर्पल रेवोल्यूशन का मेन जो फोकस दैट इज ऑन लेवेंडर क्रॉप, ठीक है, एंड इट इज एन इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऑलराइट, सो ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3, और अगर आपको इसके बारे में पता होता तो चौथा आप वैसे ही इलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही नहीं है। सो विच वॉज अ डेडलीस्ट साइक्लोन एवर विटनेस्ड इन इंडिया, इसका आंसर या तो आपको पता है या नहीं है, डोंट टेक अ गेस हियर, अगेन वन लाइनर, नेवर टेक अ गेस, ठीक है। इसका आंसर है भोला साइक्लोन जो 1970 में आया था और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के रीजन जो है यहाँ पे बहुत डिवस्टेशन हुई थी। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन बिहाइंड 1971 वॉर वॉज कि इतनी ज्यादा वाइट से डिस्ट्रक्शन हुई थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट है विच वॉज रूलिंग ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश, दैट वॉज अनेबल टू कंट्रोल, नहीं कर पाए, रिहेबिलिटेशन नहीं कर पाए, रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पाए, उसके कारण माइग्रेंट क्राइसिस बढ़ गया टूवर्ड्स इंडिया। काफी बांग्लादेशी जो थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया का इंटरनल जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो भी डिस्टर्ब होने लग गया। फाइनली एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था बिहाइंड 1971 वॉर एंड लिबरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। नाउ 49 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सो बॉक्साइट के बारे में ये क्वेश्चन है, अगेन मिनरल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीट कोल पेट्रोलियम आयरन स्टील बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉपर माइका एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी सबसे कम कर रही है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं और रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए, ये सब चीजें आपको बना लेनी चाहिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो देखिए अगर एल्यूमिनियम के बारे में, बॉक्साइट जो है इट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ओर इज बेसिकली और क्रूड मिनरल जिसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकलते हैं, पर्टिकुलर मेटल्स निकलते हैं। तो एल्यूमिनियम की अगर बात करें या बॉक्साइट की बात करें तो ये नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है। नॉन फेरस मतलब कि आयरन नहीं है उसमें, ठीक है। मेटालिक मतलब इट इज अ मेटल, इट इज इन सॉलिड फॉर्म।
एंड उड़ीसा डेफिनेटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्साइट इन इंडिया, सो ऑप्शन टू इज करेक्ट। और मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आपको दिया भी है कि उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है गुजरात, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट भूत जोलिकिया, इसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हॉटेस्ट चिली का, मतलब कि सबसे तीखी जो मिर्ची है, उसका दर्जा दिया गया था बैक इन 2008-9-10 उस पीरियड में। और ये कहाँ पाई जाती है? अगेन यहाँ पे भी गेस करने का ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, ये है असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर के एरियाज में। ओके, सो भूत जुलकिया जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज घोस्ट पेपर, और इसके पास GI टैग भी है। ये कहाँ पाई जाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर रियली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, GK के क्वेश्चंस हैं, नो स्कोप ऑफ एनी एलिमिनेशन और एनी अदर टेक्निक। अभी तक देख लिया होगा आपने, 5-6 क्वेश्चन है जहां पे आप एलिमिनेशन से कुछ आंसर निकाल सकते थे, और ऐसा ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज विच सिटी वुड होस्ट 2028 समर ओलंपिक्स, आंसर इज लॉस एंजलिस। ओके, लॉस एंजलिस कहाँ है? इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन से ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप सपोर्ट्स कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में होगा नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। ओके, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रही है? लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया था, दैट इज इन कतर। ओके, उससे अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। सो इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगी, ओलंपिक्स कहाँ होंगे, विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लीज इनके बारे में पढ़ लीजिए। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टूम्ब ऑफ सैंड, इसको मैन बुकर प्राइज मिला है 2022 का। अब जिन बुक्स जनरली वही पूछी जाती है जो या तो न्यूज में रही हो बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी को कोई मूवी बन रही है या कोई कंट्रोवर्सी हुई है, या फिर जिसको अवार्ड्स मिले हैं, मैन बुकर हो गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हो गया, पुलिट्जर अवार्ड हो गया, ठीक है। सो हम भी एक इसका लिस्ट बना के आपको देंगे, बट अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज इनको रिवाइज कीजिए कोई और सोर्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो। इसका आंसर है गीतांजलि श्री। ओके, ये बेसिकली एक हिंदी बुक थी जिसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। एंड नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पद्मा ब्रिज। देखिए जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां पे प्लीज मार्क कर लीजिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे बहुत गलतियां होती है, मैंने भी काफी गलतियां की हैं। सो आपको पेपर सॉल्व करते हैं हमेशा पेन आपके पास होना चाहिए, और कीवर्ड्स जो है इनकरेक्ट है, कौन सा ब्रिज है? पद्मा ब्रिज कहाँ है? बांग्लादेश। क्वेश्चन पढ़ते हुए इन सबको सर्कल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए बेसिक आर्ट है हाउ टू अप्रोच द पेपर। ओके, अगर कुछ फैक्ट इसके बारे में देखें, सो देखिए गलत पूछा है, हर एक फैक्ट को देखते हैं, लेट्स ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि हमें नहीं पता कुछ नहीं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या एलिमिनेशन बनता है कुछ। सो इट इज ऑल्सो नोन एज 8th इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज, नहीं पता। ओके, लेट्स सी, इट इज बिल्ट ओवर पद्मा रिवर। अब मैंने पद्मा ब्रिज कहा ही है तो पद्मा रिवर पे होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज डन बाय अ चाइनीज कंपनी, एंड 4th इज इट वॉज पार्शली फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका भी नहीं पता। अब देखिए अगर बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप ब्रिज होगा तो उसको चाइनीज कंपनी बिल्ड करेगी क्या? इंडियन सरकार चाहेगी कि प्रोजेक्ट उनको मिले और वो टेंडर किसी चाइनीज कंपनी को दे किसी और कंट्री के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, 50-50 आ गया चांस। अब मैंने जब बताया कि 50-50 चांस और आपको थोड़ा सा हंच आ रहा है, गो फॉर इट, ठीक है। और अगर सपोज आप करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज अगर बना होता, कुछ ऐसा ब्रिज बना होता, आपको पता चल जाता, इंडिया में ज्यादा न्यूज में नहीं था, अगर ऐसा ब्रिज बना होता तो आपको न्यूज में भी पता चल जाता। सो और हमें यह भी सुनने में आता है कि बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका है, हमारे अराउंड चाइना बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो एक कैलकुलेटिव गेस लेके आप कह सकते थे कि ये क्वेश्चन ये सही हो सकता है और ये गलत हो सकता है, या अदर वे अराउंड ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी जहां भी 50-50 सीन क्रिएट हो गया, दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाए, ये दो ऑप्शन के बीच में आप फाइनल चॉइस रख सकते हैं, वहां पे इट्स वर्थ वाइल टू टेक अ चांस, बिकॉज सपोज वही 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे और 1 क्वेश्चन सही होगा तो मामला बराबर हो जाएगा। बट 50-50 से कम सिनेरियो में चांस तभी लेना जब आपको 20 या 30 से ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे, तब उस सिनेरियो में आपको ज्यादा ऑप्शन एड करने चाहिए। अदरवाइज अगर 40-50 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, 50-50 ज्यादा भी चांस नहीं लेना, जरूरी नहीं है कि आपको 90-100 क्वेश्चन करने हैं। ओके, डोंट मेकअप योर माइंड पेपर पे जाने से पहले कि आपको कितने क्वेश्चन करके कितने मार्क्स आएंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए,
मेदाराम जाथरा के बारे में ये क्वेश्चन है, एंड देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे अगर इसको सॉल्व करना चाहें, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेट्स अस्यूम हमें नहीं पता क्या है। इट इज द लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया, लार्जेस्ट मेला है, लार्जेस्ट गैदरिंग इंडिया में। कुंभ मेले का नाम सुना हुआ है? इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, लेट इन ऑल इंडिया। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत सा लग रहा है कि जिसका नाम भी आपने नहीं सुना और वो इंडिया का सबसे बड़ा मेला हो गया, सबसे ज्यादा बड़ी गैदरिंग हुई, कुंभ मेला, जिसका आप हर साल नाम सुनते हैं, जब भी वो होता है नाम सुनते हैं। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो सकता है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखने से पहले आप ऑप्शंस देखिए। अगर फर्स्ट को आप गलत ठहरा दें, यू डायरेक्टली गेट द आंसर। ठीक है, 100% श्योरिटी यहां भी नहीं है, बट विद फेयरली यू नो कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं कि यार लार्जेस्ट मेला, लार्जेस्ट फेयर, लार्जेस्ट गैदरिंग जो है वो तो कुंभ मेला होना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एलिमिनेशन एंड स्मार्ट गेसिंग। देयर इज अ चांस कि गलत होगा, 5 क्वेश्चन में से हो सकता है 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बट अगर 5 में से 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आप स्टिल 1 क्वेश्चन 2 नंबर की एडवांटेज पे होंगे एज कम्पेयर टू अगर वो कुछ भी नहीं आता आपको। चांस आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। मॉक टेस्ट जो भी आगे दे रहे हैं उसमें प्लीज अच्छे से ये चीजें पढ़िए। मेदाराम जात्रा के बारे में मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कोया ट्राइब के बारे में मेंशन किया है, प्लीज गो थ्रू दैट आल्सो। नेक्स्ट इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड यूनियन कैबिनेट अप्रूव एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कोऑपरेशन इज पीसफुल यूजेस ऑफ स्पेस। अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चंस पढ़ा है तो कीजिए वरना नहीं करना। ठीक है, इसका आंसर है भूटान। ओके, सो आज के लेक्चर में विल बी स्टडिंग अप टिल हियर ओनली, बट नेक्स्ट 44 ऑड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप अभी तक जितना मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, हाउ टू अप्रोच द पेपर, दीज थिंग्स, दीज विल बी क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो, आई विल डिस्कस दोज एंड एड्रेस दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। एंड सी फ्रेंड्स, लास्ट 25 दिन बचे हैं, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, बिकॉज जहां पे आपको चांस लेना पड़ रहा है, नॉलेज की गेम बहुत कम रह गई है। नॉलेज के साथ साथ यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व द पेपर, विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, विच क्वेश्चन नॉट टू अटेम्प्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट। और ये सब चीजें तभी आएंगी जब आपने पढ़ा तो है ही है, पढ़े के साथ में प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस नॉट जस्ट फॉर द सेक की सीइंग की कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट टू सी की आपका हिट रेशो क्या है, आप कितने क्वेश्चन जो आप गेसेस लगा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गलतियां हमने भी की हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो एरर्स हैं अपने उनको रिड्यूस कीजिए और लर्न हाउ टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।